हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। पावर कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम कर रहा है और इसके इंटरनली क्या क्या होता है, एंड कौन सी एप्लीकेशन पे कौन सा कितने कौन सी रेटिंग का हम कॉन्ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास मेक LNT का कॉन्ट्रैक्टर है, एंड इसकी रेटिंग देखी जाए तो रेटिंग कैसे चेक करेंगे, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये कोड MNX50। तो फ्रेंड्स, इसकी रेटिंग इसी से है, 50 इसके एम्पियर्स हैं। इसमें जो इसकी सीरीज है ये MNX है, MNX की सीरीज, आगे जो 50 लगेगा, 20 लगा होगा, 9, 10 जो भी होगा वो इसकी एम्पियर रेटिंग होगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, दूसरी चीज़ हमने क्या चेक करनी होती है, इसकी कॉइल की वोल्टेज, जो इसको कंट्रोल करेगी उस कॉइल की वोल्टेज, वो कैसे चेक करेंगे। तो ये कॉइल के टर्मिनल्स हैं फ्रेंड्स, ये A2 है, इस साइड A1 है, दो टर्मिनल्स हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर ये देखिए, सीधा करके दिखाता हूँ आपको, 240 वोल्ट, 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स का मतलब AC वोल्टेज, यहाँ पे हर्ट्स आ गई तो वोल्टेज AC हो जाती है। तो ये 240 वोल्ट तक चलेगा इसका जो कॉयल है, ये देखिए 240 वोल्ट, 50 हर्ट्स। तो इस तरह से हम इसकी कॉयल की वोल्टेज चेक कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, ये दो एक्सोली ब्लॉक लगे हुए हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा उसी के साथ ये दोनों भी मैकेनिकली ऐसे देखिए इस साथ इस तरह से ये ऑपरेट हो जाएंगे। इसमें दो कॉन्टैक्ट मिलते हैं हमें, एक NO होता है, एक NC होता है। तो आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं, NO और NC दोनों को, दोनों साइड ये लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, और ये वर्क कैसे करता है उसके बारे में बताते हैं। ये हमने इसको ऊपर से पहले इसको खोलते हैं, खोल के चेक करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने निकाल लिया है, इसके अंदर इसके आर्क शूट लगे हुए हैं, जो जैसे ये इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं, जब मैग्नेट बनेगा तो ये कॉन्टैक्ट हैं नीचे की तरफ पुश करेंगे इस तरह से, और ये जो नॉर्मली NO है NC हो जाएंगे। तीनों कॉन्टैक्ट हैं जो कॉन्टैक्टर के, 1, 2 एंड 3, एंड ये NO से NC हो जाएंगे। मतलब इसका समझ लीजिए आप, जैसे स्विच है, स्विच ऑन हो जाता है तो एज ए स्विच काम करता है ये। तो ये देखिए, इधर से आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये अभी NO है, जैसे इसको पुश करेंगे ये कॉन्टैक्ट लग जाएगा ऐसे। ये काम इसके नीचे लगी हुई एक कॉयल लगी है जो 240 वोल्ट, 230 वोल्ट से ऑपरेट होगी, वो इसे ऑन करवाएगी। तो चलिए आपको कॉयल भी दिखाते हैं, इसको कॉयल देखने के लिए नीचे से खोलना पड़ेगा। के लिए दो स्क्रू खोल के ओनली हम इसकी कॉयल ओपन कर सकते हैं। तो इसको आराम से यहाँ से खोलेंगे एंड चेक करेंगे, ये इसका कोर बना हुआ है जिसके अंदर हमारी जो कॉयल है, कॉयल सेटल रहती है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स, ये लगी हुई है कॉयल, कॉयल को मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये फ्रेंड्स इसकी कॉयल है, ये इसके ऊपर दिया हुआ है, ये पढ़ेंगे आप, MNX 40, 50, 70, 80। तो दोस्तों, इसका मतलब है इतनी सीरीज के जो कॉन्टैक्टर हैं, MNX 40, 50, 70 और 80, इन 1, 2, 3, 4 कॉन्टैक्टर में सेम रेटिंग की ये कॉयल लगेगी। तो अगर आपने परचेज करनी हो तो एक ही ये सीरीज कर सकते हो। तो ये है CS94192, ये कॉयल आप मंगवा सकते हो, इंडेंट कर सकते हो। तो सभी के लिए यही यूज़ होगी, एक ही कॉयल चारों कॉन्ट्रैक्टर्स में लग जाएगी। तो दोस्तों, ये इसका कोर है, जो मूविंग पार्ट है, जो कोर मूव करती है, ये ऐसे नीचे की तरफ पुश होती है जैसे मैग्नेट बनता है, तो कॉन्टैक्टर इस मूविंग से ऑन हो जाता है।
तो आपको ये ऑन करके भी दिखाते हैं, पहले इसको हम क्लोज कर लेते हैं, बंद करते हैं। तो दोस्तों मैंने कॉन्टैक्टर दोबारा फिर ये असेंबल कर लिया है एंड इसके मैंने दोनों तरफ पावर की केबल है जो 220 वोल्ट एसी सप्लाई ये कनेक्ट कर ली है एंड अभी इसे स्टार्ट करके दिखाएंगे ओपन में ये कैसे स्टार्ट होता है। तो अभी पावर ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए ये ऑन हो गया एंड अभी मैं मल्टीमीटर से ये कॉन्टैक्ट चेक कराता हूँ आपको। तो मल्टीमीटर कॉन्टीन्यूटी पे सेट कर रहा हूँ, तो ये कॉन्टीन्यूटी पे लिया, ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट ये देखिए ये ऑन हो चुका है, सेकंड कॉन्टैक्ट एंड थर्ड कॉन्टैक्ट। तो फ्रेंड्स अभी ऑफ करता हूँ, तो अभी ऑफ हो चुका है, अभी कॉन्टैक्ट चेक करेंगे। ये देखिए फर्स्ट जो ओपन हो चुका है, सेकंड एंड थर्ड। तो फ्रेंड्स ये थी वर्किंग कॉन्टैक्टर की, पावर कॉन्टैक्टर की, इस तरह से ये काम करता है। एंड मोटर चलाने के लिए क्या करना है, इसके तीन साइड हमने फेस दे देना है एंड जो ये तीन साइड है ये RYB आउट हो जाएगी, ये अपनी जाएगी मोटर को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट एंड शेयर करना एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।